इस वक्त आपके सामने मौजूद है अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन से संबंधित प्रश्न, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, यदि आप इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोज की अपडेट्स जो कि खास कॉमर्स से रिलेटेड होगी उसकी अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले अंशों में 2,50,000 रुपये है, जिसमें से 4,000 अंश पूर्णदत्त भवन के क्रय में निर्गमित किए, 8,000 अंश जनता को निर्गमित किए गए, जिन पर प्रथम वर्ष में 5 रुपये प्रति अंश मांगा गया, 2 रुपये आवेदन पर, 1 रुपये आवंटन पर, 1 रुपये प्रथम याचना पर तथा 1 रुपये द्वितीय याचना पर। इन अंशों पर प्राप्त राशियां इस प्रकार थीं, 6,000 अंशों पर मांगी गई पूरी राशि, 1,250 अंशों पर 4 रुपये प्रति अंश, जबकि 500 अंशों पर सिर्फ 3 रुपये प्रति अंश प्राप्त हुआ है और 250 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश प्राप्त हुआ है। संचालकों ने 750 अंशों का हरण किया, जिन पर 4 से कम रुपये की रकम प्राप्त हुई थी। कंपनी के पूंजी व्यवहारों का लेखा करते हुए जर्नल व रोकड़ बही बनाइए। पहले वर्ष में इन व्यवहारों को चिट्ठे में कैसे लिखा जाएगा यह भी बताना होगा, यानी बैलेंस शीट भी बनाना है, कैश बुक बनाना है और जर्नल एंट्री भी दिखानी है। यानी कि इसमें जब कैश बुक मांगा है तो बैंक वाली एंट्री को हमें इग्नोर करना होगा, उसे कैश बुक में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को एक बार रिमाइंड करा दें कि क्वेश्चन में 4,000 शेयर पहले से ही बिल्डिंग खरीदने के लिए इशू किए जा चुके हैं, इनको हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये पूर्ण दत्त हैं। इसके बाद 8,000 अंश जनता को निर्गमित किए गए हैं बाद में, जिनमें से 5 रुपये ही मांगा गया है, तो वैसे 10 रुपये का, लेकिन मांगा है सिर्फ 5 रुपये, और ये 5 रुपये मांगा गया है 2 रुपये, 1 रुपये, 1 रुपये और 1 रुपये के हिसाब से। अभी 5 रुपये इन्होंने नहीं मांगा है। 6,000 अंशों पर पूरा पैसा मिल चुका है, तो हम इसको किस प्रकार से दिखाएंगे अपनी वर्किंग में। वर्किंग इतनी महत्वपूर्ण है इसकी कि क्या बताऊँ मैं। चलिए इसकी वर्किंग से शुरू करते हैं, आपको इसका स्टेप्स सिखाएंगे और बताएंगे। इसकी वर्किंग आपके सामने मौजूद है, ऐसे वर्किंग करेंगे, यहाँ पर शेयर्स लिखेंगे, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 1 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपये, सेकेंड कॉल पे 1 रुपये। 6,000 अंशों पर कहना है कि सारे पैसे मिल गए, यानी पूरी राशि प्राप्त हो गई, तो इसका मतलब है 6,000 शेयर पर एप्लीकेशन पूरा मिल गया, अलॉटमेंट भी पूरा राइट, फर्स्ट कॉल भी राइट और सेकेंड कॉल भी राइट। 1,250 अंशों पर इनका मानना है सिर्फ 4 रुपये मिले हैं, 4 रुपये मिले हैं, तो 2 रुपये, 1 रुपये 3 हो गए और 1 ये 4, इसका मतलब यहाँ राइट लगेगा, यहाँ भी राइट लगेगा, यहाँ भी राइट लगेगा, लेकिन यहाँ रॉन्ग लगेगा क्योंकि 4 रुपये अगर मिले हैं तो लास्ट वाला कॉल इनका रुक चुका है। 1,250 की मल्टीप्लाई हम 1,250 की 1 में करेंगे तो 1,250 रुपये ही यहाँ पर आएंगे, तो 1,250 रुपये का एरियर हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा 500 अंशों पर सिर्फ 3 रुपये मिले हैं। आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है 500 अंशों पर सिर्फ 3 रुपये और 250 अंशों पर सिर्फ 2 रुपये। तो पहले 500 की बात करेंगे, 3 रुपये तो यानी 2 रुपये ये और ये 1 रुपये ये अलॉटमेंट का, तो 500 का यहाँ दोनों जगह हम राइट मारेंगे, लेकिन यहाँ रॉन्ग, यानी फर्स्ट कॉल पे
₹500 का एरियर हुआ। 500 की मल्टीप्लाई ₹1 से करेंगे तो ₹500 का एरियर होगा, और 500 की मल्टीप्लाई यहाँ के सेकेंड कॉल से करेंगे ₹1 से तो ₹500 का यहाँ भी एरियर होगा। इसके बाद 250 अंशों पर कहा गया सिर्फ ₹2, यानी एप्लीकेशन के बाद इस बंदे ने कोई पेमेंट नहीं किया है। तो 250 शेयर का ₹2 के रेट से यहाँ पर पूरे पैसे मिले, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग लग गया। 250 इंटू एक, यानी एक से गुणा करेंगे, ₹250 का एरियर हुआ। 250 शेयर का यहाँ भी मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो ₹250 का एरियर होगा, और यहाँ पर भी 250 इंटू वन करेंगे तो सेकेंड कॉल के ₹250 का एरियर होगा। जो टोटल शेयर उन्होंने 8000 इशू किए थे वो टोटल 8000 यही है। इस 8000 में से जो एरियर हुआ है वह अलॉटमेंट पे ₹250 का, और फर्स्ट कॉल पे ₹750 का, और सेकेंड कॉल पे ₹2000 का एरियर हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जब इन्होंने पैसे मांगे थे तो इनके पास 8000 शेयर का ₹2 के रेट से ₹16000 एप्लीकेशन पर पूरी तरह से प्राप्त हो गए। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन पर कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं होता है, एप्लीकेशन पे सारे पैसे पूरी तरह से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब ये अलॉटमेंट पे कॉल करते हैं तो इन्हें ₹250 नहीं मिलते, यानी 8000 इंटू वन ₹8000 मांगे जाते हैं, लेकिन ₹250 कम कर दिया जाता है। तो अब देख लेते हैं, कैशबुक नीचे बनी हुई है, शेयर एप्लीकेशन पे पूरे 16000 मिलते हैं, जबकि शेयर अलॉटमेंट पर यहाँ पर देखेंगे तो ₹250 कट जाएंगे 8000 इंटू वन। तो ₹8000 हम मांगेंगे लेकिन हमें ₹250 नहीं मिलेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट पे ₹7750 ही मिलेंगे। इसके बाद 8000 इंटू एक, यानी फर्स्ट कॉल का हम पैसा जब ड्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉल पे ₹750 रुक जाएंगे, यानी हमें 8000 में से 750 घट जाएंगे, तो हमें ₹7250 ही शेयर फर्स्ट कॉल पे प्राप्त होंगे। इसके बाद लास्ट में शेयर सेकेंड कॉल का 8000 इंटू वन करेंगे तो हमारी डिमांड तो 8000 की होगी, लेकिन यहाँ पर एरियर हो रहा है ₹2000 का, तो इस एरियर से ₹2000 कम पड़ जाएंगे। तो 8000 में से हमें जो रकम प्राप्त होगी वो टू शेयर सेकेंड कॉल के ₹6000 ही प्राप्त होंगे। टोटल अमाउंट जो प्राप्त होगा वो 37000 प्राप्त होगा। बाय बैलेंस सीडी में हम 37000 लिख करके दोनों तरफ इसको क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से आप देख लिए हैं कि इसका कैशबुक बिल्कुल पूरी तरह से आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्री की। अब जर्नल एंट्री में बचा क्या, बैंक वाली एंट्री तो यहाँ आ जाएगी, सिर्फ कैपिटल वाली एंट्री जो होगी वही हम दिखाएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट में हम ये पैसा डालेंगे 8000 इंटू दो, 8 × 2 = ₹16000, तो उसकी एंट्री आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये है ₹16000, आप इस वक्त देख चुके हैं। इसके बाद अगली कॉल हमारी होती है यहाँ पर 8000 इंटू वन अलॉटमेंट वाली, 8000 इंटू वन ₹8000 से शेयर कैपिटल की, जो कि अलॉटमेंट के थ्रू होगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ₹8000, ऐसे ही शेयर फर्स्ट कॉल का भी ₹1 रेट चल रहा है तो ₹8000 उसका भी हो जाएगा, और शेयर सेकंड कॉल का, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹8000, क्योंकि बैंक में ही पैसे कम होते हैं, कैपिटल यानी ड्यू वाली एंट्री में कम नहीं होता है। इनका नरेशन, जो एप्लीकेशन की नरेशन होती है, इसमें हम लिखते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसमें शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, इसमें शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू, यह एंट्री होती है। और इसके बाद अब हम करेंगे फॉरफिट की एंट्री। सवाल को जब आपने ध्यान से पढ़ा है तो वहाँ पर एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। इन्होंने बोला है संचालकों ने 750 अंशों का हरण किया जिन पर ₹4 से कम राशि प्राप्त हुई, यानी ये 500 वाला है इससे
इसने जो है 3 रुपये दिए हैं तो इसका शेयर फॉरफिट होगा, और 250 वाले के 2 रुपये के रेट से 500 रुपये मिले हैं तो 2 रुपया ही इसने दिया है, यानी इसने भी 4 रुपये से कम रकम दी है। तो 250 वाले के 2 पे राइट मारेंगे और 500 वाले पर 3 रुपये पर राइट मारेंगे, बाकी रॉन्ग करेंगे। तो इसका जो वर्किंग होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा, 500 पर सिर्फ 2 रुपये और 1 रुपये पर राइट लगाएंगे, बाकी 1 रुपये 1 रुपये फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे रॉन्ग लगेगा, और 250 वाले शेयर पर 2 रुपये पर राइट लगेगा, बाकी इन सब पे रॉन्ग लगेगा क्योंकि इस बंदे ने 3 कॉल के पैसे नहीं चुकाए। तो सबसे पहले हम जो फॉरफिट की एंट्री करेंगे 500 वाले की, 500 इंटू पूरे 5 से हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, 500 इंटू 5 करेंगे तो 2500 रुपये होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2500 रुपये, 2500 रुपये जो राइट होते हैं उनको हम शेयर फॉरफिट में डालते हैं। 500 की मल्टीप्लाई 2 और 1 3 में करेंगे, 500 इंटू 3 तो 1500 आएगा, 2 शेयर फॉरफिटेड में 1500 रुपये लिखे जाएंगे। इसके बाद जिस कॉल के पैसे रुके हैं उनका नाम डालेंगे, तो फर्स्ट कॉल के 500 इंटू 1 और 500 इंटू 1, फर्स्ट कॉल के 500 रुपये, सेकेंड कॉल के 500 रुपये, ये दोनों हम दिखाएंगे यहाँ पर। 2 शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से 500 रुपये और 2 शेयर सेकेंड कॉल के नाम से भी 500 रुपये यहाँ लिखेंगे। हमने कुछ लिखने के लिए छोड़ दिया है ताकि आप भी देखें कि कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद हम अगली शेयर 250 शेयर को फॉरफिट करेंगे, 250 इंटू सेम वही प्रोसीजर, 250 इंटू 5 1250 रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1250 रुपये। इस शेयर होल्डर का जब नाम कटेगा तो इसके नाम से पूंजी भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो इसने राइट किया है वो फॉरफिट होगा, इसने 250 इंटू 2 रुपये ही राइट किए हैं तो 250 इंटू 2 500 रुपये होता है जो शेयर फॉरफिट में चला जाएगा। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट पर भी नहीं दिया है तो 250 इंटू 1 करेंगे तो 2 शेयर अलॉटमेंट पर 250 रुपये, फिर 250 इंटू 1, 250 इंटू 1 यानी कि 250 इंटू 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के भी 250 रुपये इस तरह से लिखे जाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल के भी सेकेंड कॉल के। इस प्रकार से हमने 500 शेयर का और 250 शेयर का, हमने 250 शेयर का फॉरफिट आसानी से कर लिया है। इसके नरेशन में लिखेंगे बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड इशूड एट द रेट ₹5 ईच, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग 250 शेयर्स फॉरफिटेड इशूड एट द रेट ₹5 ईच, यह इसकी नरेशन होगी जो कि आप लिखेंगे। इस प्रकार से जब भी फॉरफिट करें तो पेड और अनपेड के नाम से वर्किंग कर लेंगे तो पेड वाला फॉरफिट में चला जाएगा, अनपेड जिस कॉल का होगा उस कॉल के नाम से लिख देंगे। अब हम बात करेंगे इसकी बैलेंस शीट के बारे में। यहाँ पर आपने ध्यान से देखा तो 500 और 250 कुल मिला के 750 शेयर, जो कि 800 शेयर टोटल थे, उसमें से 750 शेयर का पैसा इन्होंने जो है फॉरफिट कर लिया है, जब्त कर लिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने 8000 शेयर के पैसे मांगे थे टोटल, लेकिन इन्होंने 750 अंशों को जब्त कर लिया। अब कंपनी ने 7250 अंशों के पैसे 5 रुपये के रेट से 36250 रुपये लेना है कंपनी को, लेकिन अभी इन्होंने 1250 अंशों का पैसा जिसने लास्ट वाली कॉल पे पेमेंट नहीं किया है उसका इन्होंने जब्त नहीं किया, यानी यह वाला बंदा 1250 शेयर का, इसके पैसे एरियर में हैं 1250 रुपये। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास ये जो टोटल पेमेंट आएगी वो 36250 में से 1250 रुपये नहीं मिलेंगे, जो पूरे शेयर का पैसा 7250 का मिलेगा वह सिर्फ 35000 मिलेगा, और 2000 जो इनको मिले हैं 750 शेयर के पैसे वो इन्होंने जब्त कर लिए हैं। तो अब इसकी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, बैलेंस शीट का किस प्रकार से कैलकुलेशन शो करेंगे इसको भी आप देखेंगे। जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले बैलेंस शीट लिखेंगे, इसके बाद पार्टिकुलर्स,
ये नए सिस्टम से बैलेंस शीट जो 2013 का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग बन रहा है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं तो अब सब चीज़ें न्यू स्टाइल से ही छापी जाएंगी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मुख्य हेडिंग होगी, शेयर होल्डर्स फंड्स इसका सब हेडिंग होगा, उसके अंदर शेयर कैपिटल लिखा जाएगा 75,000 का। अब 75,000 कहाँ से आया है इसको आप समझेंगे, और रिजर्व एंड सरप्लस 2,000 कहाँ से आया है इसको आप समझेंगे नोट्स टू अकाउंट में। आइए देखते हैं नोट्स टू अकाउंट क्या कहता है। ये नोट्स टू अकाउंट है जो पहले हम बैलेंस शीट में ही करते थे, अब वह सारा काम नोट्स टू अकाउंट में करते हैं। शेयर कैपिटल में अथोराइज कैपिटल जो कि कंपनी का लिखा हुआ है, किनकी अथोराइज कैपिटल यहाँ पर लिखा है, इसकी अधिकृत पूंजी 10 रुपए वाले 2,50,000 रुपए है, यानी कि 25,000 अंश होंगे, 10 रुपए से गुणा करेंगे तभी 2,50,000 रुपए आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 25,000 शेयर 10 रुपए ईच के हिसाब से 2,50,000, क्योंकि अथोराइज कैपिटल बंद होती है इसको बंद कर देंगे। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इन्होंने 4,000 शेयर 10 रुपए के रेट से पहले ही बिल्डिंग खरीद लिया है तो 40,000 रुपए यहाँ लिखा जाएगा। 8,000 शेयर 5 रुपए के रेट से 40,000 रुपए का इन्होंने अलग से इशू किया हुआ है, क्योंकि ये सब्सक्राइब्ड और इशू वाली कैपिटल है तो यहीं अंडरलाइन करके छोड़ देंगे। इसके बाद कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल में हम 4,000 शेयर जो कि 10 रुपए ईच के हिसाब से है, ये फुली पेड अप है बिल्डिंग वाला, इसको 40,000 रुपए पूरे लिखेंगे। लेकिन 7,250 शेयर 5 रुपए के हिसाब से ईच के हिसाब से 36,250 रुपए, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 36,250 आएगा। उसमें से काल सीनेरियर 1,250 वाले का हुआ है, उसको निकालने के बाद 35,000 रुपये इनके पास आएंगे। उसके बाद हमने रिजर्व एंड सरप्लस की जो वहाँ हेडिंग मुख्य डाली है उसमें शेयर फॉरफिटेड का पैसा 2,000 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो हमने वहाँ 77,000 लिखा है, अब इसका अगर टोटल करते हैं तो ये 77,000 ही होता है। इस प्रकार से 77,000 की वर्किंग यहाँ पर होगी। इसका नोट नंबर है 1 शेयर कैपिटल का, और इसका नोट नंबर है 2। इसके बाद हम वहाँ पर फिक्स एसेट्स लिखे हुए हैं, वो बिल्डिंग है जो इन्होंने बिल्डिंग खरीदी है। अब ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट्स, ये तो 77 आपका पता लग गया कहाँ से आया। अब बात करेंगे एसेट्स का, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, यानी नॉन करेंट में फिक्स एसेट्स आता है, अचल संपत्तियाँ आती हैं। फिक्स एसेट्स में वही बिल्डिंग हमने 40,000 का यहाँ लिखा है, तो क्योंकि यहाँ मुख्य हेडिंग डलेगी और इसकी वर्किंग वहाँ दिखाई गई है नोट्स टू अकाउंट में। ये करंट एसेट्स है, इसमें कैश एट बैंक लिखा जाएगा जो कि 37,000 इनको प्राप्त होगा। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं कैश बुक से, जिसमें हम बैंक कॉलम की एंट्री करते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बैंक कॉलम ओनली, इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो बैंक का बैलेंस है इस वक्त वो 37,000 का है, इसलिए हमने यहाँ पर कैश एट बैंक 37,000 का लिखा है। तो एसेट साइड का भी टोटल 77,000 हो गया है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर बैलेंस शीट भी आसानी से समझ लिया है, और इसकी वर्किंग और नोट्स टू अकाउंट बाकायदे आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है। वो जो नोट्स नंबर होते हैं, नोट नंबर यहाँ मैंने नोट का नंबर डाल रखा है, नोट नंबर है ये, तो यहाँ पर 1 शेयर कैपिटल का 1 नंबर है वर्किंग का, रिजर्व सरप्लस का 2 है, और फिक्स एसेट्स का यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो ये जो हमने वर्किंग की है उसके बारे में आपको आसानी से पता चल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग हुआ है शेयर कैपिटल का 1, तो यही नोट नंबर वहाँ डाल देंगे नोट नंबर में, रिजर्व एंड सरप्लस दूसरे नंबर पर है और फिक्स एसेट्स तीसरे नंबर पर है। ये जो नोट नंबर लिखा है वर्किंग नंबर है, इसी को ही नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट के कॉलम में शेयर कैपिटल वाले हेडिंग में यहाँ पर 1 नंबर और फिक्स एसेट्स में 3 नंबर और रिजर्व एंड सरप्लस हमारा नोट नंबर 2 है, तो यहाँ लिख दिया गया है। इस प्रकार से आपने पूरी तरह से यह सवाल कम्प्लीटली बैलेंस शीट बनाने तक समझ लिया है। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहें। वीडियो शेयर अवश्य करिएगा, वीडियो में व्यूज कम है फिर भी वीडियो आप तक जरूर पहुंच रही है।
हौसले बुलंद हैं, पॉजिटिव में चल रहे हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, वो तो राम भरोसे ही है। लेकिन हम अपने जो हमारा प्रेरणा है वह आपके कमेंट से ही पूरा होगा। आप कंटिन्यू कमेंट करते रहिए, अपनी रिक्वायरमेंट भेजते रहिए, जैसी वीडियो आपको चाहिए आप अपने कमेंट में बताते रहिए, आपके पास वीडियो कंटिन्यू पहुंचती रहेगी। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपको वीडियो ज़रूर बनाते रहेंगे आपके लिए, और आपको कंटिन्यू वीडियो अपडेट करते रहेंगे, देते रहेंगे। फिर लेकर आएंगे खास इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।